हेलो गाइस, वेलकम टू पूरी पढ़ाई। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं जेएस आउटपुट, जिसमें हम देखेंगे कंसोल डॉट लॉग। फॉर डीबगिंग पर्पसेस यू कैन यूज़ द कंसोल डॉट लॉग मेथड टू डिस्प्ले डाटा। अगर आपको डीबगिंग करनी है, मतलब कि आपके जो जावास्क्रिप्ट है उसमें कुछ एरर्स आ रही हैं या फिर बग्स आ रहे हैं, तो उनको बग्स को दूर करने के लिए हम डीबगिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। उस डीबगिंग प्रोसेस जो है वो हमारी प्रोसेस कंसोल डॉट लॉग से होती है जावास्क्रिप्ट में। तो कंसोल डॉट लॉग उसके लिए बहुत हेल्पफुल फंक्शन है। तो ये किस तरह से वर्क करेगा हम आपको दिखाएंगे। ये सामने आपके एक एग्जांपल लिखा हुआ है स्क्रिप्ट, और यहाँ पे आपका क्लोजिंग टैग लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग वेलकम टू पूरी पढ़ाई, या फिर कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इस वीडियोज़ में हम कवर करेंगे कि कंसोल डॉट लॉग वर्क कैसे कर रहा है ब्राउज़र पे, इसका रिएक्शन क्या आ रहा है। और हम फ्यूचर वीडियोस में, एक वीडियो आएगी JS डीबगिंग के नाम से, उस वीडियो में हम देखेंगे कंसोल डॉट लॉग एक्चुअली में किस तरह से वर्क कर सकते हैं डीबगिंग पर्पसेस को सॉल्व करने के लिए। आपको अगर डीबगिंग करनी है तो किस तरह से हम कंसोल डॉट लॉग को यूज़ करेंगे, वो हम फ्यूचर वीडियो में हम देखेंगे। तब तक हम काफ़ी सारे फंक्शंस पढ़ चुके होंगे, तो हम उन सबको यूज़ करके देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि ये रिएक्ट कैसे करता है आपके ब्राउज़र स्क्रीन पे। तो इसके लिए हम अपने नोटपैड प्लस प्लस पे जाएंगे, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्क्रिप्ट। ये हमारी ओपनिंग स्क्रिप्ट है, ये दो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगा चुके हैं हम। इसके बाद कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर आप लिख सकते हैं टेस्टिंग वन, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, और उसे हम सेव कराएंगे। इसको हम सेव करा रहे हैं js कंसोल डॉट html से, सेव करा चुके हैं, और उसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पर आपका आ चुका है, ये से डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, और सामने आप देख रहे हैं कि अबाउट अस लिखा हुआ है और आपका ये लिखा हुआ है। तो अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने लिखा हुआ था अबाउट अस और पैराग्राफ में लिखा हुआ था, बट आपका जो कंसोल डॉट लॉग है वो क्यों प्रिंट नहीं हुआ। तो वो कहाँ प्रिंट हुआ है वो हम देखेंगे। अगर आप, जैसे मैं यहाँ पर गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, आप मोज़िला फायरफॉक्स या फिर सफारी या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करेंगे, तो उसमें आपका डेवलपर ऑप्शंस होंगे। तो डेवलपर ऑप्शंस यहाँ पर मोर टूल्स में जाके भी ओपन कर सकते हैं डेवलपर टूल्स, या फिर आप के पास डायरेक्ट ऑप्शन होता है, शॉर्टकट होता है F12। तो F12 को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका HTML ये पूरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सोर्सेस, नेटवर्क, ये सब चीज़ें होंगी, बट हमें कंसोल देखना है। तो जैसे हम कंसोल को क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका देखिए लिखा आ रहा है टेस्टिंग वन। अभी देखिए, जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो टेस्टिंग वाले लिखा हुआ रहा है, और इसे हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे हम टेस्टिंग टू कर रहे हैं, उसे सेव कर रहे हैं, कंट्रोल एस से मैंने इसे सेव कर दिया, और इसे हम फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं तो लिखा हुआ है टेस्टिंग टू। या तो यहाँ पर आपको ये कंसोल स्क्रीन है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये टेस्टिंग टू टेस्टिंग थ्री लिखा हुआ है, बट यूज़र को आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि, क्योंकि यूज़र को सिर्फ यही दिखाई देता है, ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको, यूज़र को नहीं पता चलेगा, आपको सब कुछ पता चल रहा है कि टेस्टिंग वन टेस्टिंग टेस्टिंग थ्री हो रही है। आपको डिबगिंग करनी है, उसकी एरर्स निकालने हैं। तो इस तरह से वो कंसोल डॉट लॉग रिएक्ट करता है ब्राउज़र पे। तो इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं, इसे हम क्लोज़ कर रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे कि इसे डीबगिंग पर्पसेस के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, एरर्स को दूर करने के लिए कैसे यूज़ करेंगे। तब तक हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे। तो कंसोल डॉट लॉग किस तरह से ब्राउज़र पे रिएक्ट करता है वो हम देख चुके हैं। सो आई होप आपको कंसोल डॉट लॉग समझ में आया होगा, फर्स्ट स्टेप इसका। सो थैंक यू गाइस, मीट मी ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय। योर फीडबैक इज़ वैल्यूबल फॉर ऑल, सो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।